गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। तो थोड़ा दिन मेरे वॉइस को एडजस्ट कर लो क्योंकि मैं गांव में आई हूँ ना, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ही नॉइस आता है। वैसे आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि पता है आप लोगों को, रोशन रेड बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे सीएम पंक के ऊपर। और ऐसा गुस्सा इसलिए कर रहे क्योंकि सीएम पंक रोमन ने इसका ब्लड लाइन को ज्वाइन किया है ना, तभी से रोशन रेड काफी एंग्री है। वो सोशल मीडिया पे ट्वीट वगैरह कर रहे हैं कि सीएम पंक को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट रोशन रेड तो सोशल मीडिया पे एक ट्वीट भी करते, यानी कि इंस्टाग्राम पे कुछ लगाए थे जहाँ पे लिखे थे हम और भी ज्यादा गुस्सा है। यार देखो ना, मेरे को लगता है कहीं सीएम पंक को ना धो दे रोशन रेड आके। वैसे गाइस मैं जनरली बोल रही हूँ, रोशन रेड मुझे उतने अच्छे नहीं लगते, भले वो हेवीवेट है बट वो सभी को हर्ट करते रहते हैं। स्पेशली हमारे रोमनिक्स को बहुत ज्यादा हर्ट किए रोशन रेड। और पता है मुझे भी ठीक नहीं लगता है, बोलो क्यों? क्योंकि जब से सीएम पंक रोमनिक्स के ग्रुप में आए हैं ना, तब से रोमनिक्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और रोमनिक्स को बहुत ज्यादा हर्ट भी हो सकता है। पता है सीएम पंक क्या करेंगे फ्यूचर में? क्योंकि मुझे लगता है कि सीएम पंक के ऊपर भी रोमनिक्स को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सेथ रॉलिंस आएंगे और सेथ रॉलिंस आते ही सीएम पंक के ऊपर अटैक करने वाले हैं, वो भी सर्वाइवर सीरीज में ही। पता है जब से सीएम पंक ज्वाइन हुए ना, मुझे लगता है कि रोमनिक्स हारने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में। पहले वाले रोमनिक्स ही मुझे अच्छे लगते थे जब वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में रहते थे तो। और WWE में एक और बंदा है जो कि रोमनिक्स से अपसेट है फिलहाल, वो द रॉक है। और द रॉक भी बिल्कुल भी खुश नहीं हुए जब से वो देखे कि रोमनिक्स और सीएम पंक एक साथ हो गए हैं। यार मेरे को भी यही लगा था, अगर द रॉक या कोई और बंदा ज्वाइन होता है एज अ फिफ्थ मेंबर ऑफ रोमनिक्स, देन कितना मजा आता ना? ये बात रोमनिक्स को बाद में पता चलेगा कि रोमनिक्स ने गलत फैसला लिया है सीएम पंक को ज्वाइन करके। बट गाइस इन सब चीजों में आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि सीएम पंक और पॉल हेमन दोनों काफी अच्छे फ्रेंड है, दोनों का काफी अच्छा बॉन्डिंग भी है। मुझे लगता है सिर्फ पॉल हेमन की वजह से सीएम पंक ज्वाइन हुए ये वाले ब्लड लाइन में। आगे बात करते हैं अपने डोरेमोन के बारे में। मुझे तो पॉल हेमन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है 110% रोमनिक्स को धोखा देंगे। ऐसा क्यों? चलो मैं इसके पीछे आपको रीजन बता दे रही हूँ। सबसे पहले देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पॉल हेमन और सोलो शिकोवा दोनों ही एक ही कपड़े पहने थे। और जब से हमें ये हिंट मिला है, मैं तो कंफर्म हो चुकी हूँ कि पॉल हेमन सोलो शिकोवा का ही साथ देने वाले हैं। वो हमेशा ही टाई और शूट वगैरह में आते थे, अभी देख लो ना पॉल हेमन काफी ज्यादा क्लासी लग रहे हैं। जैसे सोलो शिकोवा बंदर आता है ना, वैसे सेम पॉल हेमन भी आए थे। और गाइस देखो ना, सबसे बड़ा ये भी रीजन है कि पॉल हेमन का कॉल नहीं उठाए थे रोमन ने। और जब से रोमन इसका फोन नहीं उठाया ना, तब से मुझे पता चल गया है कि अब पॉल हेमन बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे रोमन का। वैसे गाइस ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा पूरा का पूरा ड्रामा 30 नवंबर को। मुझे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है सर्वाइवर सीरीज का, मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द हो जाए सर्वाइवर सीरीज का मैच। वैसे गाइस आप लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना स्ट्रगल करके ये वाला वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे पास माइक है ना, अच्छा बैकग्राउंड है ना, क्वालिटी आ रहा है वॉइस का, बट स्टिल मेरा तो काम है आप लोगों तक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करने का। वैसे गाइस आप लोग बस सपोर्ट करो। और हाँ, आप लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते। यार मैं इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।